खरगोन शहर के औरंगपुरा से गुजर रहे नेशनल हाईवे निर्माण में बाधा बन रहे मकानों पर सोमवार को प्रशासन की जेसीबी चली। यहां करीब 80 से अधिक मकान बने हैं जिन्हें हटाने के नोटिस पहले ही जारी कर दिए गए थे। एसडीएम, तहसीलदार, नगरपालिका, सीएमओ भारी दल बल के साथ कार्यवाही के लिए पहुंचे। दोपहर अफसरों के जेसीबी मशीन के साथ पहुंचने पर रहवासियों ने विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन कोई राहत नहीं मिल सकी। क्षेत्रवासियों ने बताया प्रशासन ने पहले अतिक्रमण चिन्हित किया था, जैसे स्वेच्छा से हटा लिया, अब पूरे मकान तोड़े जा रहे हैं। प्रशासन पहले उनके वे स्थापन की व्यवस्था कर महिलाओं ने एक पट्टी के बजाय दोनों ओर अतिक्रमण हटाकर सड़क निर्माण की मांग की, जिससे उन्हें रहने को कोई जगह मिल सके। हालांकि पूरे मकान तोड़ दिए। एसडीएम ने बताया उक्त जमीन पर 85 मकान हैं, जिनमें 22 के पट्टे हैं। पट्टेधारियों को विस्थापन कराएंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। तो नोटिस कब दिया था? ये पूरा तोड़ रहे हो? कोई घर पे कोई नहीं है? क्या नाम है आपका? अम्मा चला तो भी नाम क्या है अम्मा आपका? आपका नाम क्या है? मनोरमा। ये नेशनल हाईवे का जो कि निर्माण होना है, उसी में जो उन लोगों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सर, महिलाओं ने विरोध भी किया था, उनने कहा समय भी मांगा था। एक्चुअली इसके संबंध में तहसीलदार के सारे प्रकरण चले थे, उसके बाद तहसीलदार ने विधिवत आदेश किया था, जिसको पर्याप्त समय भी दिया था, उसके बाद ही कार्रवाई की जा रही है। और अगर उसके बाद भी अगर जैसे रहवासियों का जो पट्टा है, इनको दूसरी जगह प्रस्थापित करेंगे, उसके बाद भी इनको फिल्म हटाएंगे। लोगों का विरोध ये है कि एक तरफ हटा दूसरी ओर का छोड़ दिया। एक्चुअली एनएच ने जो अलाइनमेंट दिया है उसके हिसाब से अतिक्रमण हटाया जाए। अगर दूसरे तरफ भी अतिक्रमण होगा तो उसे भी निश्चित मकान कितने उन मिला के 85 मकान है यहाँ पर, मकान और दुकानें मिला, उसमें 21 लोग ऐसे पट्टे पाए गए जिनको 98 में पट्टे दिए गए, उनको विस्थापन का कार्य किया जा रहा है, बाकी लोग उनका अतिक्रमण है। ये कब तक चलेगी सर कार्रवाई? जब तक अतिक्रमण पूरा नहीं हटता। ये कहाँ तक हटेगा सर? यहाँ पे अभी जहाँ तक एनएच को जरूरत है, 124 मीटर वहाँ दिया था। क्या कहना आपका विरोध में? आप घुनून का हमने बचा उनको दिया, उन्होंने दिया कि बाहर बेटा हटा लो, हमने हटा दिया उनको। हमें बच्चों लेके जाएंगे कहा? जब हम 10 फीट है उस जगह पे हम रहेंगे, अभी रहेंगे। हमें क्या क्या रोजी यही चलती है? हमें पेट निकाल के बोलते हैं, हम नहीं बाहर आ जाती है तो बच्चे क्या दुखा लेके बैठ जाते, उनका पेट भर लेते हैं। हम यहाँ से हट के जाएंगे कहा? 90 साल ऊपर हो गया देते हमको। हमको ये 5 तारीख को नोटिस दिया था कारण बताओ, हमको मार्किंग करके गए थे प्रशासन, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के निर्देश पे यहाँ मार्किंग हुई थी कि इतना आपको तोड़ना पड़ेगा, है ना। हमने उसका जवाब दिया, हमको तारीख दी थी कि ये 13 तारीख को आपको जवाब देना है, हमने 13 तारीख को जवाब दिया और हमने ये मान लिया कि 342 स्क्वायर फीट का जैसे मेरे को दिया है ना, कि 342 स्क्वायर फीट शासकीय ज़मीन है और अतिक्रमण में है। तो जब शासकीय ज़मीन हमने खाली कर दी है तो ये क्या पीछे वाले की ज़मीन को खाली करवाने के लिए प्रशासन कर रहा है? हम ये कहना चाहते हैं कि ये पीछे वाले की ज़मीन को खाली करवाने के लिए, क्योंकि अब ये ज़मीन शासन की तो है ही नहीं, ये शासन की है ही नहीं। शासन की जो 52 फीट थी, जो मार्किंग दी थी और हमको जो स्क्वायर फीट में दिया था, और हमने खुद हमारी स्वेच्छा से सभी लोगों ने 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए खर्चा करके पीछे हट गए, और उसके बाद ये अभी 24 घंटे का तत्काल नोटिस देके और हमको ये पूरा तोड़ रहे। नहीं तो ये क्या कार्रवाई गलत है कि सही है? गलत है, गलत है, सरासर गलत है। आप ये पेपर देखो ना, ये पेपर देखो, हम आपको पेपर देते हैं और उसका जवाब देते हैं ये मीडिया में, आप ये जवाब। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? ये मेरी दुकान है कि ये यहाँ तक आपके अतिक्रमण में है, शासकीय जमीन है, रोड के लिए जरूरी है। तो हमने कहा कि खरगोन के विकास के लिए हम रोड़ा नहीं अटकाएंगे, हमने खुद जमीन खाली करके दी। उसके बाद अब ये जो जमीन है, ये पीछे वाला जो है जमीन वाला, और कुछ भूमाफिया मिले हुए हैं उसमें, और कुछ नेता उन भी मिले हुए हैं, और दोनों तीनों पार्टी के मिले हुए हैं, है ना। और वो चाहते हैं कि ये पूरा टूट जाए और ये पीछे की जमीन को वो लाखों करोड़ों में बेचे, ये खेल चल रहा है। एक साइड को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पीछे जमीन है कीमती,
और उसको खाली करवाना, खरगोन का भू माफिया उसको खाली करवाना चाहते है ना, और उस जमीन से करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। हमको नोटिस दिया था, जितनी जमीन का नोटिस दिया था ये नोटिस है, और हमने जवाब दिया है कि हम स्वेच्छा से खाली करके देंगे, हम रोड के निर्माण में बाधा नहीं पहुंचाएंगे, जितनी जमीन रोड को चाहिए, शासन को चाहिए, एनएच को चाहिए, हम देंगे, और हमने खुद ने तोड़ के दी, और सभी लोगों ने 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए खर्च करे तोड़ने में भी, और पीछे शटर वगैरह दरवाजे लगाने में भी, और प्रशासन अभी तक ये कह रहा था, एसडीएम साहब खुद ने मीटिंग ली थी, हम खुद मीटिंग में सब लोग शामिल थे, और एसडीएम साहब ने कहा था कि अगर जो बची हुई जमीन है उसमें अगर तुम्हारी पूर्ति हो जाती है तो तुम तुम्हारा निवास और तुम्हारा दुकान रख सकते हो, है ना, और उसके बाद ये एकदम से अचानक, मतलब कि पता नहीं किसके दबाव में, राजनेताओं के कि क्या पैसे का दबाव है या राजनेताओं का दबाव है, उसके कारण ये मतलब कि इनने ये अचानक कार्रवाई चालू कर दी। हठधर्मिता है, पूरी तरह हठधर्मिता है, मतलब ये देखो ना पेपर देखो सबके पास है, सबको जो नोटिस दिया, सबको जितना स्क्वायर फीट जमीन खाली करने का बोला सबने दिए, कार्रवाई पूरी तरह गलत है ना, दो बार तोड़ गए इनको, कोई रीजन ही नहीं है ना, ये कार्रवाई दो बार तोड़ा है राजेश रघुवंशी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।